देखिए सामने आपको अब स्नो थोड़ी थोड़ी पहाड़ों में दिखाई देने लगी होगी। और हिंदी में बोलते हैं मोर पंखिया कलर। हाँ, मोर पंखिया कलर का पानी देखा आपने कभी? तो है, और पानी का कलर देख लीजिए, है ना टर्कोइस कलर। ऐसा आदमी है जो कसौन दिखा रहा है हमको। ये हॉकी टिका का जो आइकॉनिक सा साइन है, तो लकड़ियों के साथ इन्होंने लिखा हुआ है। तो 5,000 स्क्वायर मीटर का घर है जो आपको 1,95,000 न्यूजीलैंड डॉलर में मिल रहा है यहाँ पे। मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सबका स्वागत है एक और नई सुबह में। तो आज है जो है सुबह, हम ग्रेम हाउस के एक होटल में हैं और आज रात फिर हम ग्रेम हाउस में ही रहने वाले हैं। आज एक्सप्लोर करने वाले हैं हम हॉकी टिका शहर और हॉकी टिका गॉर्ज। दो दिन है हमारे पास यहाँ, क्योंकि हमने गलती से एक रात एक्स्ट्रा होटल बुक कर लिया था। तो मैं यहाँ पे आया हूँ चाय बनाने के लिए। हमारी अदरक वाली चाय बनाते हैं, इसमें दूध पत्ती डालकर और अच्छे से पीते हैं, और फिर उसके बाद घूमेंगे आज हॉकी टिका। हाँ, तो दूध में पत्ती ही मैंने डाल ली है तो अच्छी बनेगी। और अब मैंने डाल दी इसमें बड़ी इलायची, थोड़ी सी अदरक। तो दोस्तों, अब हम निकल चुके हैं हॉकी टिका की ओर। हॉकी टिका गॉर्ज दिखाते हैं, बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि हमको मिल गया है एक दिन एक्स्ट्रा। ग्रेम हाउस छोटा सा शहर है, आके दिखा देंगे, जल्दी कवर हो जाएगा, कोई बात नहीं। प्लान चेंज हो गया है, एक्स्ट्रा दिन है हमारे पास वेस्ट कोस्ट में, तो हम उसे अच्छे से यूज करने वाले हैं। तो अब जा रहे हैं हम हॉकी टिका। हॉकी टिका है वेस्ट ग्रेम हाउस से हॉकी टिका गॉर्ज है 57 मिनट का रास्ता, 69 किलोमीटर जहाँ पे हम रुके हुए थे वहां से है। तो अब बढ़ते हैं जी हॉकी टिका गॉर्ज की ओर, और आपको देखकर पता लगेगा कितनी खूबसूरत है, कितना अच्छा वहां का व्यू है। तो चलो चलते हैं, बहुत ही वर्ल्ड फेमस है, ऐसी आपने ऐसा पानी का कलर पहले नहीं देखा होगा जो आज आपको हॉकी टिका गॉर्ज में दिखने वाला है। हॉकी टिका और ग्रे माउथ जो है ना, साउथ आइलैंड का जो वेस्ट कोस्ट है न्यूजीलैंड का, हॉकी टिका और ग्रे माउथ उसके दो बड़े शहर हैं। ग्रे माउथ हॉकी टिका से बड़ा है, लेकिन जो साइट सीइंग है जहाँ हॉकी टिका गॉर्ज है फेमस, वो हॉकी टिका में है। वैसे तो हमने ग्रे माउथ से हॉन्ट कुक की ओर जाना था, हॉकी टिका को कवर नहीं करना था, लेकिन क्योंकि समय एक्स्ट्रा होने की वजह से हम हॉकी टिका भी आपको दिखा रहे हैं। हॉकी टिका तो हमने पहले विजिट किया हुआ है और आपको इस बार अच्छे से दिखाने वाले हैं, और काफी सुंदर छोटा सा शहर है, उसे दूसरा नाम द लिटिल कूल टाउन भी कहा जाता है, लिटिल कूल टाउन हॉकी टिका। वो बस थोड़े ही समय में पहुंच जाएंगे, कोई ज्यादा दूर नहीं है। हॉकी टिका तो पास में ही है, गॉर्ज को थोड़ा ज्यादा समय लगता है। साइड पे कोई आइसक्रीम के साथ सोने की कोशिश कर रहा है, अगर आप कॉन्सेंट्रेट करें तो आप देख सकते हैं, वो एक छोटा सा बच्चा आइसक्रीम होल्ड की हुई ऐसे हाथ में, वो देगा भी नहीं और खाएगा भी नहीं, ऐसे ही सो जाएगा। बाहर का मौसम तो दोस्तों क्लाउडी है आज। तो मैं बता दूं कि हॉकी टिका गॉर्ज जहां पे जा रहे हैं, वो एक नदी है, एक जो कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में बहती है, जिसका के टर्कोइज कलर का पानी है। और लोग यकीन नहीं मानते कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी नदी का टर्कोइज कलर का पानी हो सकता है। मैं भी नहीं मानता था जब तक के मैंने अपने आँखों से नहीं देखा था। मैंने 3 साल पहले विजिट किया था, उसके बाद मुझे यकीन आया था कि सच में ऐसा पानी हो सकता है। गॉर्ज का मीनिंग ये होता है कि ऊँचे ऊँचे पहाड़ों में बहने वाली नदी, वो रास्ता जो तंग होता है और आस पास ऊँचे ऊँचे पहाड़ होते हैं। ये आ गया है अराहुरा, अराहुरा नाम का कोई शहर आया है। तो घर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, शायद आगे चल के होगा, देखते हैं। एक दिखाई दिया इस साइड, पर खूबसूरती है यहाँ पे, ये तो मानना पड़ेगा कि नहीं जस? यस, वेरी नाइस। छोटा सा मोहल्ला है, छोटा सा मोहल्ला है। तो हम एंटर हो चुके हैं जी हॉकी टिका शहर में। ये आप जो शहर देख रहे हैं छोटा सा, ये हॉकी टिका है। और आधा घंटा लगा हमें ग्रे माउस से हॉकी टिका पहुंचने में। तो हॉकी टिका शहर आकर रुकते हैं, पहले हम ना जो हॉकी टिका गॉर्ज है यहाँ से 34 किलोमीटर अभी पड़ी है। तो हॉकी टिका गॉर्ज जो शहर से थोड़ी बाहर रह जाती है, तो आपको पहले ना
जो हॉकी टीका गॉर्ज है उस साइड लेकर चलते हैं और वहां गॉर्ज दिखा के फिर हम आपको हॉकी टीका शहर दिखाते हैं। तो ये लिखा है जी मिल्क प्रोडक्ट, तो यहाँ पे मिल्क प्रोडक्ट बनते हैं, दूध के जो भी प्रोडक्ट हैं यहाँ पे बनते हैं। मेरे ख्याल से जैसे नेस्ले वगैरह होती है वैसी लग रही है। तो वेस्टलैंड मिल्क प्रोडक्ट है इस फैक्ट्री का नाम। तो हॉकी डिगा में फैक्ट्री भी है, अगर काम चाहिए यहाँ पे रहना है तो यहाँ पे काम भी मिल जाएगा। क्या खूबसूरत रास्ता है वो देखिए, सामने पहाड़ बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। रास्ता बिल्कुल फ्लैट है, ऊंचा नीचा नहीं है, लेकिन ना यहाँ पे तो प्लेन में जा रहे हैं लेकिन सामने जो पहाड़ों का व्यू आ रहा है ना, क्या कहना, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है वो। अगर आज बादल ना होते तो शायद आपको स्नो वाले पहाड़ भी यहाँ से दिखाई दे जाते। सिंगल ब्रिज, और ब्रिज के नीचे इस साइड कोई गाड़ी लेके घूम रहा है, पता नहीं ये किधर से आया होगा। नीचे रिवर में घूम रहा है, ड्राई रिवर में, ड्राई रिवर में घूम रहा है। रिवर जो है नीचे थोड़ा सा ड्राई है, सिर्फ एक पास एक तरफ उसके पानी है, दूसरी तरफ ड्राई है। तो देखिए सामने आपको अब स्नो थोड़ी थोड़ी पहाड़ों में दिखाई देने लगी होगी, तो इस साइड पे आपको स्नो काफी दिखाई देने लग जाती है। अगर कहते हैं कि दिन क्लियर होना तो माउंट कुक भी यहाँ से दिखाई दे जाता है। हम तो माउंट कुक के बिल्कुल पास से इस बार जाएंगे और माउंट कुक पास से दिखाने वाले हैं आपको। हॉकी टीका गॉर्ज है यहाँ से 2 किलोमीटर रह गई है, लेकिन मैंने देखा है कि यहाँ पे ना हाउसिंग वगैरह है काफी, थोड़ी दूर दूर है एक दूसरे से, शायद ये सारे होंगे फार्मर्स होंगे। तो वो सामने कोई आ भी रहा है वो लेकर क्वाड बाइक जो होती है, तो ये फार्मर के पास ही होती हैं। और काफी यहाँ पे हमको शीप काउ वगैरह रखी हुई मिल रही है, तो हाउसिंग वगैरह है हॉकी टीका गॉर्ज के पास, बिल्कुल सुनसान एरिया नहीं है ये। तो यहाँ पे इन्होंने फ्लाई 6 लिखा हुआ है, बोर्ड लगा है, शायद ना यहाँ पे वो ग्लेशियर्स पे जाने के लिए फ्लाइट या हेलीकॉप्टर उड़ते होंगे यहाँ से, या फिर टिकट वगैरह मिलती होगी। हेलीकॉप्टर उड़ते हैं यहाँ से। हम पहुंच चुके हैं जी हॉकी टीका गॉर्ज पे, तो यहाँ पे लगा दी है हमने पार्किंग। यहाँ पे और मोटर होम भी रुके हुए हैं, ये वाला जो लास्ट टाइम हमने हायर किया था ये थोड़ा बड़े वाला है, तो पर इस बार हमने छोटा किया है क्योंकि थोड़ी पार्किंग की समस्या ना ही आए। गैस देखिए कितना कवर हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता लग रहा होगा कि ठंडी बहुत है यहाँ पे, तो वाणी आपको पता ही है, वाणी की पक्की प्लेस हो गई है मेरे पीछे अब। तो कुछ ऐसी एंट्री है जी जो हमें जो हॉकी टीका रिवर है जो गॉर्ज है उसकी तरफ लेके जाती है। सबसे पहले जो आपको हट सी दिखाई दे रही है, इसमें इन्होंने मैप लगा रखे हैं और सब कुछ समझा रखा है कि कैसा दिखाई देती है और क्या क्या है, कैसे बनी है, तो आप देख लीजिए। जो आपको ब्लू टर्किश कलर का जो नदी सी दिखाई दे रही है ये है हॉकी टीका गॉर्ज, और इसके आजू बाजू जो जंगल का एरिया है वो बताया गया है, और आपको चल के वहां दिखाते हैं। टर्किश कलर जो है ना, इसको पंजाबी में और हिंदी में बोलते हैं मोर पंखिया कलर। हाँ, मोर पंखिया कलर का पानी देखा आपने कभी? तो आज हम आपको मोर पंखिया कलर का जो पानी है वो दिखाने वाले हैं। तो और भी इस बोर्ड पे काफी कुछ लिखा हुआ है, माउंटेन लैंडस्केप है, पानी बना न्यूजीलैंड में सबसे ज्यादा जो रेन होती है वो यही वेस्ट कोस्ट में होती है। तो हम न्यूजीलैंड के जो एरिया है वेस्ट कोस्ट में है जहाँ पे सबसे ज्यादा रेन होती है ना, ये कुछ इन्होंने साइंटिफिकली बना के समझाया हुआ है। पॉज करके आप पढ़ लेना अगर आपका पढ़ने में इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे आप और भी कुछ है, कैंपिंग नहीं कर सकते, डॉग नहीं ला सकते। डॉग क्यों इसीलिए कहते हैं क्योंकि डॉग जो है ना यहाँ पे पंछियों को नुकसान पहुँचाते हैं, और ड्रोन आपको जगह जगह लिखा मिल जाएगा, नो ड्रोन्स। तो ड्रोन आपको फुटेज कम ही मिलने वाली है, 5 लाख ईयर्स लगे हैं वहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ था। जब धरती फॉर्म हुई थी तो प्लेटेस जो धरती के नीचे होती हैं वो आपस में कोलाइड हुई थी, तभी जाके ये जो रेन फॉरेस्ट एनवायरनमेंट है यहाँ का वो बना था। तो देखिए कितना समय लगता है ना ऐसी नेचर को बनने के लिए, और कितना इन्होंने ब्यूटीफुली इसको संभाल के भी रखा हुआ है, साफ सुथरा रखते हैं, वैसा ही जंगल का एरिया है। हाँ बिल्कुल, हाँ जी, अनटच नेचर का मतलब कि लोगों का इंटरफेरेंस बहुत कम रहा इस नेचर में।
हेलो, देखिए यहाँ की जो वॉकवे है कितनी जो है ना संघनी प्लांटेशन है, आप देख लीजिए अंदर आप घुस भी नहीं सकते। तो ऐसे ऐसे पक्षी वगैरह यहाँ पे रहते होंगे कि कहना, जो न्यूजीलैंड में यूनिक मिलते हैं जैसे किया हो गया। कोशिश करेंगे कि किया बर्ड भी आपको दिखाएं, अगर रास्ते में दिखाई दिया। ओनली अल्पाइन पैरट है, उस साइड हम जाने वाले हैं कल को। व्यूइंग पॉइंट आ गया ये वाला, ठीक है जी। ये देखिए कितना खूबसूरत है, और पानी का कलर देख लीजिए, है ना टर्कोइस कलर। तो हम अपनी आंखों से निहार रहे हैं हॉकी टिका गोच, जिस पे यकीन मानना, सच मानना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ऐसा कलर लोग कहते हैं कि हो ही नहीं सकता। ये बिना एडिटिंग के है, सच में टर्कोइस कलर है, मोर पंखिया कलर है, आप देखिए, ये सच है, कोई भी एडिटिंग नहीं है। तो क्यों बनता है ये कलर, आगे बोर्ड लगा होगा वो भी आपको पढ़ के बताते हैं, और उस ब्रिज पे चलते हैं। अब आपको बता दूं कि ये कलर बना क्यों है। ये कलर बना है, यहाँ पे इन्होंने लिख के लगाया हुआ है, इंग्रेडिएंट्स क्या थे, रॉक फ्लावर, मेल्टेड ग्लेशियर आइस और रिवर वाटर, तीन चीज़ों से मिलके बना है। जो चूरा बन जाता है पत्थरों का, उसका जो पानी मेल्ट होकर, क्योंकि ग्लेशियर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, और जो रिवर वाटर है, जो पानी तो आपको पता ही है, उससे मिलकर ये तीनों चीज़ों ने मिलकर ये जो टर्कोइस कलर बना दिया है, ये देखिए। तो चलते हैं अब आगे की ओर। ओ, हम थोड़ा सा आगे आए तो ये लिख दिया इन्होंने, तो बंद ही कर दिया आगे जो ब्रिज था वहाँ पे, लोअर हॉकीटी का जो स्विंग ब्रिज था वो बंद कर दिया है। सहज पता बोर्ड देख दो, तो रिवर व्यूइंग प्लेटफॉर्म बीच एरिया कांट बी एक्सेस्ड, तो अब वहाँ जा नहीं सकते। तो हॉकी डिका गॉर्ज दोस्तों यहीं से ही देख लीजिए, आए तो इतनी दूर से, इतना ड्राइव भी किया, पर कोई बात नहीं। हमारा जो कलर देखने का था, जो स्पेशल आपको दिखाने का था कि पानी का रंग नीला भी हो सकता है किसी जगह पे, वो मेन पर्पस था, वो हमको दिख गया है। ब्रिज थोड़ा आगे था, ब्रिज पर हम नहीं जा पा रहे आज क्योंकि डेंजरस है, तो हम भी फॉलो करेंगे रूल्स। तो देख लीजिए कितना सुंदर है कलर, बिल्कुल जैस की टी शर्ट भी, जैस भी आज थोड़ी थोड़ी टर्कोइस लग रही है कि नहीं जैस। इसको पता था कि हॉकी टिका गॉर्ज पे जाना है, हाँ ब्लू लग रही है। तो चलो, तो थोड़ा समय हम बिताते हैं यहाँ पे, थोड़ा 5-10 मिनट रुकते हैं और उसके बाद कार की ओर बढ़ते हैं। हमारा हॉकी टिका गॉर्ज का जो सफ़र था, जो देखने का था, वो भी पूरा हुआ, एक और एडवेंचर जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। हॉकी टिका गॉर्ज को हमने कर दी है गुड बाय, अब बढ़ रहे हैं हम हॉकी टिका शहर की ओर, वहां पे करेंगे अब लंच, शहर घूमेंगे, आपको घुमाएंगे। तो लो जी, हम ऑफिशियली एंटर हो रहे हैं हॉकी टिका में। ये सामने आपको हॉकी टिका की जो है आइकॉनिक बिल्डिंग दिखाई दिख जाएगी, जो छोटा सा इन्होंने क्लॉक लगा रखा है, और क्लॉक इनके पास बहुत है, हर वीडियो में बताता हूँ मैं, टावर बनाते हैं और लगा देते हैं। ये है जी न्यूजीलैंड का कूल लिटल टाउन। टाइम हो चुका है 12:23, क्लॉक जो सामने लगा है वो बता रहा है, और ये छोटे से शहर का छोटा सा बाजार। तो हम बाजार में से गुजर रहे हैं, हमने लंच के लिए सोचा है साबे यहाँ पे हमको दिखाई दे गया है, तो पहले गाड़ी को कहीं पार्क करते हैं उसके बाद आते हैं। ये कौन सा आदमी है जो कसौन दिखा रहा है हमको, ये तो यहाँ का कोई फ्रंटियर लाइन वाला कोई आदमी था, तो नाम पढ़ के बाद में बताएंगे आपको, अभी पढ़ नहीं हुआ। और स्टैचू काफी अच्छा लगा रखा था, वो देखिए कितना सुंदर इन्होंने लिखा हुआ है ना, हॉकी टिका बीच एक्सेस, तो बहुत ही सुंदर ऐसा इनको, ये भी एक इनका आइकॉनिक ही है, लकड़ियों के साथ ये बनाया हुआ है। तो अब पहले तो बीच पे भी लिखा होता था, वहां पे चल के देखते हैं अगर पार्किंग मिल जाए तो वहां पे लिखा हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए छोटे से शहर कूल टाउन का कूल बाजार है, बाजार भी बहुत कूल है, 100 साल पुरानी दुकानों की बिल्डिंग होंगी, और क्या खूबसूरत है ये छोटा सा शहर। जो लो जी आप तो गुजर जाइए पहले, हम बाद में आ जाएंगे, ये नहीं गुजरेंगे।
अब गुजरेंगे ये, इनको फुर्सत ही नहीं थी इधर उधर देखने की, तो लो जी। तो यहाँ पे शायद है पार्किंग जो है बीच पर लेकर चलते हैं अगर मिल जाए तो। हाँ वो लिखा है बीच 100 मीटर, तो बीच पे पहले चलते हैं उसके बाद आते हैं वॉकिंग करके हॉकी टिका टाउन में। तो हम पहुंच चुके हैं कूल लिटिल टाउन हॉकी टिका में और इसके बीच का आपको व्यू दिखाते हैं। यहाँ पे लकड़ियों से इन्होंने इकट्ठी करके हॉकी टिका लिखा हुआ है, कुछ साल पहले आए थे तब भी लिखा हुआ था, अब भी है। तो ये देखिए, ये रहे हॉकी टिका का जो आइकॉनिक सा साइन है, तो लकड़ियों के साथ इन्होंने लिखा हुआ है। ये काफ़ी समय से ऐसा ही है, शायद बार बार इसको बनाते होंगे। और सामने है जो वेस्ट कोस्ट का वाइल्ड बीच कहते हैं, इसे वाइल्ड बीच इसलिए क्योंकि इसमें रॉक्स वगैरह बहुत होते हैं, तो यहाँ पे बच्चों की पूरी मस्ती हो रही है। तो ये देखिए पानी को ना कंट्रोल करना नामुमकिन सा हो जाता है, इसे बस पत्थरों के साथ हमें खेलना है तो घर नहीं जा रहा। तो साउथ आइलैंड में मोस्टली आपको ड्रोन जो है अलाउड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सीनिक फ्लाइट्स बहुत उड़ती हैं, कहीं कहीं ही आप उड़ा सकते हैं ड्रोन, या फिर आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। ये हमारी एंट्री हो रही है बीच से, हम हॉकी टिका जो टाउन है उसकी ओर बढ़ रहे हैं। तो काफ़ी सुंदर से इन्होंने डेकोरेशन की है, ऊपर फेरी लाइट वगैरह लगा रखी है, लाइट रात को तो जगती हुई सुंदर लगती होंगी। तो यहाँ पे इन्होंने कूल सी चेयर बनाई हुई है, आगे चल के आपको दिखाता हूँ। वो जो चेयर है उस पर बुक वाली चेयर बनाई हुई है, जहाँ पे ये देखिए कितनी सुंदर है, यहाँ पे बुक चेयर है ना, कूल सी चेयर बनाई हुई है वाली। ये देखो जी बाड़ी लोडिंग जोन हो गया, अब बाड़ी लोड हो गया इसे। चलो भी करो पानी को लो, चल चल इच बैठो, इजी इजी हो जाएगा, इजी 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 हो जी, बाना हो गया बैक सवार पापा की बैक पे। देखो जी चलो चलो भाई चलो चलो। तो ये देख लीजिए, ये है जी एक स्ट्रीट, ये है बाज़ार की और एक स्ट्रीट सामने है। तो एक स्ट्रीट ये है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, न्यू वर्ल्ड भी है यहाँ पे अगर आपको कोई शॉपिंग वगैरह करनी हो। तो अब गुजर रहे हैं हम हॉकी टिका के बाज़ार से, ये कुराथ नाम का है थाई शॉप थी, ये यहाँ पे ग्लास स्टूडियो भी है, ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे सेल पे लगी हुई हैं। तो 5,000 स्क्वायर मीटर का घर है जो आपको 1,95,000 न्यूजीलैंड डॉलर में मिल रहा है यहाँ पे, ये हाँ ये पूरा घर बना हुआ 5,49,000 का मिल रहा है। तो ऐसे ही हैं प्रॉपर्टीज काफ़ी यहाँ पे लगी हुई हैं, यहाँ पे बहुत सस्ती है। हाँ न्यूजीलैंड के मुकाबले, हाँ तो नॉर्थ आइलैंड के मुकाबले साउथ आइलैंड में पॉपुलेशन कम है पर प्रॉपर्टी आपको सस्ती मिल जाती है। जो मैं आपको स्टैचू दिखा रहा था ये फिर आ गया है, इस चौक में लगा हुआ है। तो हम बढ़ रहे हैं आगे, यहाँ पे रीगेंट थिएटर भी है, सिनेमास भी है मूवी के लिए, अगर आप मूवी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको वो भी दिखाई दे जाएगी। तो आपको यहाँ पे डेड पूल वॉल्वोराइन लगा होगा, ये तो ये राजी सिनेमा, तो ये आ गया सामने सब्बे। तो यहाँ पे हमारा जो है लंच होने वाला है, तो जैस तुसी लंच बना लो, मैं थोड़ा जा वीडियो फिल्मा के आंदा, ठीक है मेरे लिए वेजी वाला बना लो। तो जैस जो देगी ऑर्डर लंच का, यू गॉट द कैश मनी, ओके बाय बाय। जैस चली गई है साबे रेडी करवा देगी, मैं और वानी जो है ना आगे की ओर निकल चुके हैं। वहाँ पे आपको जो इनका मेन क्लॉक टावर सा बनाया हुआ है वो दिखाते हैं, वो काफ़ी कूल लगता है देखने में, और आपको भी दिखाता हूँ कि कैसा है वो। ये रहा क्लॉक टावर हॉकी टिका, उस पर लिखा हुआ है, थोड़ा और पास जाकर दिखाता हूँ। ये रहा इनका कूल सा जो आइकॉनिक टावर बना रखा है शहर के बीचों बीच, इसे हॉकी टिका कहते हैं, ऊपर बेल लगा रखी है तो लिखा हुआ है हॉकी टिका गार्डियन। ये शायद छोटी सी शॉप जो होगी ना न्यूज़ प्रिंट वालों का ऑफिस होगा, तो यहाँ पे छोटा सा शहर है तो छोटा सा इनका जो न्यूज़ वाला अखबार का जो है ऑफिस भी है, जिसका नाम है हॉकी टिका गार्डियन। आ जाओ लेट्स गो। तो आ गई है जैस सामने से सब्वे लेकर,
तो ये देखिए जी, ये मौर्य कल्चर की थोड़ी सी आर्ट है इसमें रखी हुई शॉप में, जेड वगैरह है। तो हम जा रहे हैं साबे खाने, हम इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे साबे का। लोकेशन हमें बहुत अच्छी सी मिल गई है, वो जो आपको दिखाई थी कूल चेयर्स, और इधर है बिल्कुल समंदर का किनारा, और बानी के पास अपनी परमानेंट चेयर है। इसके पीछे ना ये स्टैंड लगा हुआ, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई हुई है ये। मज़ा आ गया। आगे चल के हमें कुकिंग करनी है, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे इतनी फूड ऑप्शंस नहीं मिलेंगी। अब हम कुकिंग, हम इंजॉय करते हैं घर का खाना, हमको बहुत पसंद है कुकिंग, लेकिन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम जो टाइम एक्सप्लोर में बिता रहे हैं, अगर हम कुकिंग में लगाएंगे तो वो एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। समय हमारे पास उतना ही है, लेकिन चीज़ें बहुत देखने वाली हैं। तो जहाँ पे हम बैठ के साबे खा रहे थे ना, देखिए आजू बाजू में इतनी सुंदर सुंदर जो लोकल आर्टिस्ट हैं होकी टिका के, उनकी पेंटिंग्स फ़ोटोस लगाई हुई हैं, बहुत ही सुंदर है यहाँ पे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और आपको हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे ग्रे माउथ। तब तक अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। टिल देन गुड बाय।